ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब उनकी स्मृतियां ही शेष हैं और जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से साझा कर रहा है। मुलायम सिंह यादव के साथ कई दर्शक तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले शिवपाल यादव भी बड़े भाई का सहारा छीन जाने से भावुक और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह को याद करते हुए कहा है कि हर मोर्चे पर, हर मौके पर हमने अभी तक जो भी फैसले लिए हैं वो नेताजी के कहने पर ही लिए हैं। हमने कभी भी नेताजी की किसी बात को नहीं टाला है। कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, मैंने नहीं टाला है। और यही नहीं, इस मौके पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में ही एकता करने और सपा का संरक्षक करने के सवाल पर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त अभी इन मुद्दों पर बात करने का नहीं है और जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। संरक्षक की भूमिका पर कहा कि जब जो जिम्मेदार मिलेगा वो किया जाएगा। अभी देखिए, हम उस स्थिति में नहीं है जिस बारे में, हम उस स्थिति में समय नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा। अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी जी के कार्यक्रम सब नहीं है, इस समय तो कोई फैसले की बात है। इसी खबर पर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, शिवपाल सिंह का बयान आया है, क्या अपडेट है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नेताजी जो कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जननायक हैं या संस्थापक भी थे, और उनके जाने के बाद जो शिवपाल यादव हैं उनके भाई भी हैं और राजनीति में अच्छी खासी पैड भी रखते हैं और सीनियर लीडर में माने जाते हैं। तो शिवपाल यादव ने जैसे कि बयान में कहा है कि नेताजी के बिना उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनसे पूछे बिना आज तक उन्होंने कोई फैसले नहीं लिए हैं, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव हैं थे उनके फैसले पर ही शिवपाल यादव का फैसला होता था और शिवपाल यादव के फैसले पर नेताजी ही मोहर लगाते थे। तो जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है मीडिया से कि जब मीडिया ने उनके इन सवालों का जवाब पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर आप काम करेंगे या समाजवादी पार्टी में आपका क्या रोल रहेगा, तो उन्होंने इस बात को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अभी सही वक्त न कहते हुए उन्होंने मीडिया से कहा है कि ये सही वक्त नहीं है बात करने का। हो सकता है शायद जब कुछ उनका गम हल्का होगा या दुख की इस घड़ी से जब वो उभरेंगे तो शायद समाजवादी पार्टी में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए वो अपनी बात कहेंगे। और शिवपाल यादव चूंकि नेताजी के भाई भी हैं तो वो अपनी बात रखेंगे कि शायद सीनियर लीडर के तौर पर वो क्या बोलते हैं, क्या फैसला करते हैं, ये अभी समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। शिवपाल यादव ने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है या इशारा किया है कि वो नेताजी की जगह पर काम करेंगे, नेताजी की तरह ही वो समाजवादी पार्टी को शायद खींचने की कोशिश करेंगे। अब वो गठबंधन के तौर पर काम करेंगे या समाजवादी पार्टी में वो विलय हो जाएंगे, ये तो शिवपाल यादव ही तय करेंगे। लेकिन अखिलेश की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है कि शायद कुछ समय बाद जब ये दुख के बादल छटेंगे तो शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं सामने आएगी। और अखिलेश इस पे क्या कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी जानकारी आपके साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कहर से हजारों गांव सिद्धार्थनगर में प्रभावित हैं, बुरी तरीके से ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से विधायक शैदा खातून बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने निकली और डुमरियागंज क्षेत्र के सैकड़ों गाँव विथरिया, भरवटिया, वीरपुर और इसके साथ ही एहतमाली वीरपुर और मुस्ताहकम, पेडरिया, जीत, फतेहपुर, धनोरा, धनोरी और निबुआ, ऐसे सैकड़ों गांव डुमरियागंज क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और सैदा खातून से जब इस बारे में बात किया गया तो उनका कहना है कि मैं लगातार बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर रहा हूं, प्रशासन से लगातार बात करने, लोगों के नाव खाने और इसके साथ ही खाने पीने की राहत सामग्री, दवाई और पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन की तैयारियां ना होना और अचानक से बाढ़ आना ये बहुत ही मुसीबत का सबब है और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दवाई नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर के पीली नदी में आया बाढ़ का पानी से ही बदलापुर इलाके के रपटा पुल पानी में ही डूब जाने से दर्जनों गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है, जिससे जिला मुख्यालय और बदलापुर तहसील आने जाने को लेकर ग्रामीणों को हर बार की तरह इस साल भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बरसात के सीजन में पुल के ऊपर से पानी का तेज धारा के साथ ही बहने से खतरा बना रहता है। लगातार 2-3 दिन से ही रुक रुक कर बारिश हो रही से ही रपटा पुल डूबने से फिरोजपुर और बहरीपुर, रतासी, इनामीपुर, दगोली कला और दुगोली, खारदी आदि गांव का संपर्क टूट गया है और अब इन गांव के लोगों को 8 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर बटाऊ बीर होकर बदलापुर तहसील मुख्यालय आना जाना पड़ रहा है। सर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, 4-4 गांव का मार्ग टूट जाता है, यही एक ही रास्ता है कि जो बच्चे पैदल यहाँ से स्कूल चले जाते हैं। कौन सा पुल डूबा है? रपटा पुल है, दुगोली कला और कस्तूरीपुर का बॉर्डर है। कितने दिन से है डूबा जी? ये डूबा तो बहुत दिन से है, कम से कम 5-6 दिन हो गए। ग्रामीणों को किस तरह की परेशानी होती है? ग्रामीणों को तो सर इतनी परेशानी हो रही है, पूरा बाजार का आवागमन बंद हो गया, सबसे में बदलापुर नहीं जा पाते जी। नहीं जाते हैं तो वही घूम के जाते हैं 15 किलोमीटर। अब खबर अमेठी से है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कल शाम लापता हुई 4 बच्चियों को खोज निकाला है। 4 नाबालिग बच्चियों के गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से बच्चियों के गायब होने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस बच्चियों की गुमशुदगी दर्ज करने के मामले में जाँच पड़ताल भी करी हुई थी और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक इलामार नजी के निर्देश पर ही बच्चियों की तलाश में 5 टीमें गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे बच्चियों को बरेली से खोज निकाला है। वहीं मथुरा जिला कारागार में हर्षोल्लास के साथ ही करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिला कारागार के परिवार की तरफ से महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और वहीं आपको बताते चलें कि जिला कारागार में ही महिला कैदी करवा चौथ का व्रत रखेंगी और इसके लिए ही कारागार प्रशासन ने 2 घंटे का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान महिलाएं वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पतियों का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। देखिए, जिला कारागार मथुरा में हर त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, रक्षाबंधन भी हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था और जेल प्रशासन उस पूरे त्यौहार में सहभागिता अपनी रखी थी और कोई कलाई रहने या सुनी के दृष्टिगत हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया था। माननीय कारागार मंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय डीजी श्री आनंद कुमार जी की प्रेरणा से कारागार में उन लोगों के द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कारागार में बंदियों को त्यौहार जो है कारागार प्रशासन मिलकर मनाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और एसपी विधायक इकबाल महमूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव को सपा के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त नजाकत है और ऐसे में ही सभी को साथ मिलकर आ जाना चाहिए। संभल के मियां सराय में मौजूद अपने आवास पर सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव को पीएम मोदी भारत रत्न के, हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम को ये जो घोषणा है वो पहले ही कर देनी चाहिए थी और मुलायम सिंह की मृत्यु पर पूरा देश आहत था। पूरे देश के नेता उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और वहीं उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अब सरकार को भी मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं शिवपाल सिंह यादव के जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा वाले बयान पर भी विधायक ने कहा है कि नेताजी और शिवपाल सिंह यादव ने सपा को बनाया है, शिवपाल सिंह यादव को सपा के साथ आ जाना चाहिए, सभी मिलकर सपा को मजबूत करें। ऋषिकेश में बीती रात को ही मुनिकी रेती थाना पुलिस ने ही डालवाला SDRF टीम को सूचना दी कि तवोन लेबन ट्री होटल के पास एक कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कविंदर सजवार के नेतृत्व में ही टीम घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।